व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डरावनी चीजें जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी, और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको जरूर मजा आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी टाइप की हॉन्टेड क्रीपी मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर इसे शेयर। कहा जाता है कि बर्मिंघम यूके की इस आर्ट गैलरी में एक भूतिया पेंटिंग भी रखी हुई है। ये वीडियो अपलोड किया है टेड व्हाइटहॉल ने और वो यहाँ पर यही पता लगाने पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो अपने साथ में एक एक्सपर्ट को लेकर आए हैं और यहाँ पर वो एक अनुष्ठान करते हैं जिससे पता लगा सकें कि कौन सी पेंटिंग भूतिया है और श्रापित है। Take it from this place. It has no place here, Lord. And I cast this out in the name and I bind it in the mighty. यहाँ पर जब जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है पीछे से दरवाजा अपने आप ही बंद चालू होता रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई इन्हें ऐसा करने से रोक रहा हो। I cast you out and bind you in the name of Jesus. In the name of Jesus. हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हैं कोई इन्हें बीच में रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग भी कंटिन्यू लगे रहते हैं। Cast it into the pit, Lord, and bind it forever. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. तो हमने यहाँ पर देखा कि एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि वाकई में इस जगह पर कोई तो ऐसी पेंटिंग है जिसमें भूत प्रेत छुपे हुए हैं। ये जो चेयर है ये कितनी जोर से यहाँ पर हिलती हुई नजर आई थी। ये बंदा दावा करता है कि ये चेयर कास्ट आयरन की बनी हुई है। कास्ट आयरन एक बहुत ही ज़्यादा हेवी धातु होती है जिसका इस तरीके से अपने आप हिलना पॉसिबल नहीं लगता। ये वीडियो मलेशिया के एक बंदे जिमी अजीज ने अपलोड किया है और ये वीडियो लाइव स्ट्रीम का वीडियो है, यानी कि ये सारी चीज़ें लाइव चल रही थी। आइए इस पर नज़र डालते हैं। ये लोग बताते हैं कि पहले से ये घर हॉन्टेड है ये हमें पता था, तो जिमी अजीज और उनके दोस्तों ने सोचा क्यों ना रात को अंधेरा करके हम एक चैलेंज करते हैं। ये लोग कमरों की लाइट्स बंद करते हैं, उसके बाद एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं। तभी अचानक से एक कमरे के अंदर एक अजीबोगरीब आकृति इनका कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कमरे के कॉर्नर में एक अजीबोगरीब आकृति खड़ी हुई है जिसे देखने के बाद ये सारे लोग यहाँ से चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि वो जो आकृति थी वो एक पोकांग थी। पोकांग एक ऐसा भूत है जो मलेशिया और इंडोनेशिया में काफी ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि वो जो भूत होता है वो पूरे कफन में लपटा हुआ नजर आता है। ये लोग यहाँ से भाग गए। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि अगर ये यहाँ रुकते इसका सामना करते तो शायद हम और अच्छे से इसे समझ पाते कि यहाँ क्या हुआ था। ये वीडियो अपलोड किया है अरबेक्स विद टेफी ने। वो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड बंकर का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो बताते हैं कि हमें कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा था मानो कोई हमारा पीछा कर रहा हो। वो यहाँ पर बंकर के इस एरिया में खड़े हो जाते हैं, फिर जो भी यहाँ पर भूत प्रेत है उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। Is there anyone in here with us? Would you make a sound? Just make a noise. हमने यहाँ पर देखा कि उल्टे हाथ की तरफ के दरवाजे से एक परछाई झांक कर वापस अंदर घुस जाती है। हालांकि यहाँ पर ये सिर्फ दो लोग हैं और उनकी परछाई हमारे सामने है, तो फिर भला ये तीसरी परछाई किस शख्स की थी? ये डरावना नज़ारा देखने के बाद ये लोग इस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बंकर जिस भूत के लिए बदनाम है शायद ये वही भूत था जिसे आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया है। यहाँ पर एक पॉडकास्ट की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी और इसी दौरान इस कैमरा ने एक अजीबोगरीब चीज रिकॉर्ड की है। ये जो बंदा है इसके पीछे आपको ध्यान से देखना होगा। इस बंदे के पीछे एक बैगेज रखा हुआ है जो कि अपने आप ही हिलने डुलने लगता है और इतनी जोर से हिलता है कि इसकी उस पर नजर पड़ती है। ये उसे पलटकर घबरा कर देखता है और जो उसके साथी ऑनलाइन है उनसे पूछता है कि क्या तुमने इस चीज़ को देखा, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बट ये चीज़ कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। So there we go. That is end of round number 3. Whoa. Did you guys just see that and hear that? I heard like a bonk.
What? Did you not hear that noise? I heard a bonk, oh, no. Yeah. My fucking suitcase just moved across the room by itself. Right there. That was not there a second ago. Yeah. कई सालों से लोग बादलों में अजीबोगरीब चीज देखे जाने का दावा करते आ रहे हैं। कई लोगों ने बादलों में पूरे के पूरे शहर देख लिया, तो कईयों ने कहा कि हमें भगवान का चेहरा भी बादलों में नजर आया है। अब ये जो वीडियो आपके सामने है, इसमें इस वीडियो का अपलोडर ये दावा करता है कि बादलों से एक इंसानी खोपड़ी बन गई है जो कि बहुत बड़े साइज की है। जरा आप इसे ध्यान से देखिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में ज्यादा कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लगभग हर कमरे में कैमरे लगा दिए गए थे। ये जगह भूतिया मानी जाती है और यहाँ पर एक रहस्यमयी घटना हुई, जबकि आप देख सकते हैं पूरा घर अपने आप जोर जोर से हिलने लगा था। इस घर की जो दादी है, उनके एक कैमरा ने एक अजीबोगरीब चीज़ रिकॉर्ड की है जो अभी आपके सामने है। कई लोगों ने कहा कि ये कोई भूत हो सकता है, कईयों ने कहा कोई चोर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कई बड़ी न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको कवरेज दिया था। Grandma has caught something quite terrifying in her granddaughter's room. Tori McKenzie is begging for help online after capturing what she describes as a demon standing over her grandchild's bed. Miss McKenzie set up a motion-activated camera at her son's house after complaints his two-year-old daughter Amber was talking to something unseen in the middle of the night. The grandma checked her camera's app days later to find a bone-chilling image of a figure standing very close to her sleeping grandchildren with what she described as it having a horn on its head and long claws. The creature is captured standing awkwardly, looking upwards just before 3 a.m. Miss McKenzie says when she tried to rid the house of the evil presence by burning oils, she claimed cabinets and curtains opened and closed and music began to play by itself. The grandmother insists the discovery has left her fearing for her grandchildren's lives and that the photo is real and could not be photoshopped because she does not have the technical know-how to change the... मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं। अगर करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही कंडीशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सामने आप देख सकते हैं एक पेंटाग्राम का साइन है, उसके ऊपर मारियो का एक पुतला रखा हुआ है जो कि अपने आप ही हवा में ऊपर उठने लगता है। ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये नज़ारा देख कर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। Oh my god! Oh my look! Dude! Dude!